आप सभी को स्वागत है मेरे कुकिंग टाइम चैनल में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम, एकदम दुकान जैसा, एकदम लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। इसके लिए हमें कस्टर्ड पाउडर, मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया है, आप चाहे जो भी फ्लेवर का ले सकते हैं, 1/2 kg दूध और व्हिप्ड क्रीम मैंने लिया है 120 ml वाले मिजरिंग कप से। फिर मैंने थोड़े से दूध को बाहर निकाला है एक कटोरी में, जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर को बाद में घोलूँगी। अब दूध को उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से दूध को उबालते हैं जब तक कि वो आधा ना बच जाए। अब जो कटोरी में मैंने दूध निकाला था उसमें 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूँगी और उसका अच्छे से घोल तैयार कर लूँगी। ध्यान दें कि घोल अच्छे से बनाएं, लम्स ना रह जाए कस्टर्ड पाउडर के, अच्छे से फेंट लें उसको। देखिए मैंने कितने अच्छे से फेंट लिया है इसको, अच्छे से मिला लें और दूध को भी देखते रहें बीच में, अच्छे से उबाल आने तक उसको उबालें जब तक कि आधा ना रह जाए। अब दूध उबल चुका है और मैंने कस्टर्ड पाउडर को अब इसमें डालना है। देखिए मेरा दूध आधा बचा है। अब कस्टर्ड पाउडर को इसमें हल्का हल्का करके डालेंगे, थोड़े थोड़े करके, एक बार में नहीं डालना है और इसे चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है एकदम इस स्टेज पे। थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहें, डालते रहें और चलाते रहें। जब लास्ट में आप डालें तो उसको अच्छे से चला लीजिए, नहीं तो नीचे पाउडर रह जाता है जमा होके। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, 3 से 4 चम्मच चीनी लिया है जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। आप इसमें चाहे तो दूध उबलते समय भी चीनी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे, चारों साइड अच्छे से मिला लेंगे चम्मच की हेल्प से। और उसको बाद में फिर ठंडा होने के लिए रख दें, जब ये पक जाए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे साइड में। अब मैंने एक कटोरी में, बड़े से कटोरी में मैंने व्हिप्ड क्रीम को लिया है और इसे हैंड मिक्सर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे। पहले हैंड मिक्सर की मदद से व्हिप्ड क्रीम को मिक्स कर लें, तब तक उसको अच्छे से ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख दें, जो हमने मिल्क और कस्टर्ड पाउडर को मिलाया है। देखिए मैं फेंट रही हूँ, मिक्सर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से फेंट लें व्हिप्ड क्रीम को। जब व्हिप्ड क्रीम अपने वॉल्यूम से डबल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ये अच्छे से व्हिप्ड हो गया है। अब मैं इसमें जो बैटर है दूध और कस्टर्ड पाउडर का, अभी मैं इसमें हल्के हल्के करके डालूंगी। ध्यान रखिएगा कि जो बैटर है वो गर्म ना हो, इसे अच्छे से ठंडा कर लें फिर इसमें डालें। ये बैटर देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, लेकिन ये गाढ़ा नहीं है। अगर आप ऐसा गाढ़ा डालेंगे तो अच्छी बनेगी आइसक्रीम, एकदम दुकान जैसी स्पंजी और फ्लफी होगी और क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। अक्सर क्या होता है जब हम आइसक्रीम जमाते हैं तो जमने के बाद ये बर्फ़ का जैसा हो जाता है, बहुत कड़ा लगता है, लेकिन जब ये इस टेक्सचर में डालेंगे तो बर्फ़ के तरह नहीं होगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसे मिक्सर की मदद से अच्छे से फेंट लिया है, आप इसे चारों साइड अच्छे से मिला के फेंट लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसे डीप फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए, इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दें।
जब ये बैटर पूरे अच्छे तरह से मिक्स हो जाए, हम इसको अच्छे से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में, डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। फिर इसको मैं निकाल के, फिर जब 2 से 3 घंटे के बाद जब ये जम जाए तो फिर मैं इसे निकाल के फेंट लेना है हैंड मिक्सर की मदद से, तभी आइसक्रीम दुकान जैसा स्पंजी और क्रीमी होगा। नहीं तो आप अगर एक बार में ही इसे रख देंगे जमने के लिए फ्रिज में तो हार्ड हो जाता है। लेकिन जब इसे 2 से 3 घंटे बाद अगर निकाल के फिर से हैंड मिक्सर की हेल्प से इसका इसे अच्छे से फेंट लेते हैं तो ये एकदम आइसक्रीम दुकान जैसा हो जाता है, हार्ड नहीं बनता है। इसीलिए आप इसका ध्यान दें। और जब इसे फेंटे तो देख लें, निकाल फेंटने से फेंट के देख लें कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है कि नहीं। चारों साइड घुमा घुमा के अच्छे से चारों तरफ फेंट लें। जब देखिए क्रीमी जैसा टेक्सचर आ जाए इसका, तब समझिए कि ये अच्छे से हो गया है। फिर इसको फ्रिज में रख दें डीप फ्रीजर में जमने के लिए, और उसके बाद इसे निकाल के अपना सर्व करें। ये देखिए मैंने फेंट के इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी और ये बनके रेडी हो गया। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है एंड यम्मी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, थैंक यू। कमेंट भी करिएगा आप अगर आपको कुछ पूछना हो।